अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शकील अहमद एंड वेलकम टू कम टू कोड। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये वीडियो खासकर उनके लिए जो नए बिगिनर्स हैं यूट्यूब में या अपना चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, इवन उनके लिए भी जो ऑलरेडी अपना यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं बट बहुत सी सेटिंग्स का उनको नहीं पता, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चैनल की अगर प्रॉपर स्टार्टअप एंड प्रॉपर सेटिंग होगी तो चैनल को ग्रो होने में बहुत मदद मिलती है और आपको सेटिंग का पता भी होना चाहिए। तो आइए एक नया चैनल किस तरह स्टार्ट करते हैं और उसकी सेटिंग कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले आपने अपने ब्राउजर पर लिख लेना है youtube.com। उसके बाद राइट साइड पर साइन इन का बटन आ रहा होगा, आपने प्रेस करना है और यहाँ पे आके अपना अकाउंट क्रिएट करना है। क्रिएट अकाउंट फॉर माय पर्सनल यूज, यहाँ पे एक फर्स्ट नेम आप टाइप कर दें, लेट से ट्यूटोरियल, लास्ट नेम में मैं यूट्यूब लिख देता हूँ। ईमेल एड्रेस में आपने जो है वो ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है जिसमें कैरेक्टर्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए और डॉट, इसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये काम कर लेना है। मैंने यहाँ पे अकाउंट बनाया yt.tutorial.tut2022। पासवर्ड सेट कर लें, पासवर्ड एटलीस्ट 6-8 कैरेक्टर का होना चाहिए और मिक्स नंबर और अल्फ़ाबेट के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ, ये मैंने पासवर्ड दिया और साथ साथ पासवर्ड को कन्फर्म भी कर लेना है। अच्छा, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं लैपटॉप और मोबाइल से करें तो एक ही ऑप्शन आएगा, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। ये लैपटॉप से कर लें या मोबाइल पे यूज़ कर लें, सब पे जो है इसी तरह के ऑप्शंस आने, आपने इसी चीज़ को फॉलो करना है और नेक्स्ट का बटन यहाँ पे प्रेस करना है। अभी आपसे फ़ोन नंबर का पूछ रहा होगा, फ़ोन नंबर आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दें तो इस फ़ोन नंबर पे एक कोड आएगा, वेरिफिकेशन कोड, आपने वो कोड यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, आपने वो कोड यहाँ पे पुट करना है। मैं यहाँ पे ये कोड फ़ोन नंबर दे देता हूँ और मैं SMS का वेट करता हूँ। मेरे पास जो है एक SMS आएगा गूगल की तरफ से, जी हाँ SMS आ चुका है और ये कोड भी आ चुका है उस SMS में। तो मैं ये कोड डालने जा रहा हूँ 427425 और इसको मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। ये वेरीफाई हो गया। अभी रिकवरी ईमेल पूछा है, रिकवरी ईमेल आप डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इनकेस इन फ्यूचर अगर किसी ने चैनल हैक करने की कोशिश की तो ये उस वक्त बहुत काम आएगा। रिकवरी, या आप पासवर्ड भूल जाते हैं या कुछ इस तरह का सिलसिला हो जाता है तो रिकवरी ईमेल बहुत काम आने वाला है। जनवरी, मैं डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड करता हूँ यहाँ पे, आप भी अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो प्रोवाइड कर दीजिए। जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद आपने यस आई एम इन ये प्रेस कर देना है, ठीक है। अच्छा, ये अकाउंट के टर्म एंड प्राइवेसी फॉर्म आ जाएंगे, इसमें भी आपको एग्री का बटन प्रेस करना है। जब ये एग्री का बटन प्रेस हो जाएगा, अब आप राइट साइड पे देख रहे होंगे कि टी, क्योंकि मैंने ट्यूटोरियल से स्टार्ट किया था तो फर्स्ट लेटर इसने उठा के दिखा दिया राइट साइड पे आइकन में कि टी है और ये मैं लॉग इन हो चुका हूँ, ठीक है, मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब अगला स्टेप है, आपने उस आइकन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे क्रिएट अ चैनल का बटन आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस क्रिएट अ चैनल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्रिएट अ चैनल पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछता है अपलोड अ पिक्चर और चैनल का नाम क्या होगा। तो मैं यहाँ पे क्या नाम रखता हूँ, ट्यूटोरियल यूट्यूब 2022। और अपलोड पिक्चर, कोई अगर है पिक्चर आपने ऑलरेडी पहले से सेट किया हुआ है तो वो पिक्चर देख लें, या आप इसको बाद में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक लोगो सेट कर देता हूँ जो कि ऑलरेडी मैंने अपने डेस्कटॉप पे रखा हुआ था, और क्रिएट चैनल करता हूँ। आपने भी यही सारे स्टेप्स करने हैं, चाहे आप मोबाइल से कर रहे हो परफॉर्म या फिर अपने लैपटॉप से। लैपटॉप पे ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको स्क्रीन थोड़ा बड़ी नज़र आए, वाजे हो जाए प्रॉपर, इसलिए मैं ये वीडियो लैपटॉप पे बना रहा हूँ। अच्छा, जैसे ही आप चैनल क्रिएट कर लेते हैं तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके पास आएगी, होम का टैब आएगा, वीडियोज़ जो भी आप वीडियोज़ बनाएंगे यहाँ पर नज़र आएगा, प्लेलिस्ट जो आप बनाएंगे, चैनल्स अगर लिंक है तो वो आ जाएंगे और अबाउट में इसकी डिटेल आ जाएगी। तो ये ऊपर जो है कस्टमाइज चैनल का बटन है, मैनेज वीडियोस, तमाम की तमाम वीडियोस यहाँ से मैनेज करेंगे आप। तो फर्स्ट व्यू है आफ्टर चैनल क्रिएशन,
अब मैं आपको यहाँ दूसरे चैनल से, मेरा है वहां से, मैं दिखाता हूँ कि ये जो है किस तरह का व्यू आता है जब आप लॉग इन कर लेते हैं। देखें, होम पे जो है आपकी वीडियोस कुछ इस तरह से आएंगी, ठीक है। वीडियोस के सेक्शन में तमाम की तमाम वीडियोस इस तरह से आएंगी। प्लेलिस्ट अगर आपने कुछ बनाया है तो वो इस तरह से आ रहा होगा। और कम्युनिटी में कुछ अगर आप पोस्ट कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं, तो वो इस तरह से चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। चैनल्स अगर लिंक हैं या अबाउट अस में कुछ डिस्क्रिप्शन आता है अपने चैनल के बारे में, आप अपनी डिटेल देना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट अगर कोई आपसे करना चाहे तो यहाँ पे अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। तो ये तो हो गया भाई चैनल क्रिएशन और उससे रिलेटेड मेन्यूज़ जो होते हैं उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं वो मैंने आपको दिखा दी, इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। अब हम चलते हैं चैनल की सेटिंग की तरफ। तो आइए हम चैनल की सेटिंग करते हैं। यहाँ पे आपने प्रेस करना है कस्टमाइज चैनल, या फिर यहाँ से इसी आइकन पे, राइट साइड वाले आइकन से जाके यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आप मोबाइल से भी अगर ये सारे एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं तो मोबाइल में भी बिल्कुल इसी तरह के ऑप्शन आएंगे, कुछ अलग नहीं है। अच्छा, अब हम आ गए हैं अपने यूट्यूब स्टूडियो की तरफ, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे ये आ गया आपका चैनल का डैशबोर्ड, क्योंकि अभी इसको आपने क्रिएट किया है तो यहाँ पे ना ही कोई वीडियो नजर आ रही है, ना ही कोई सब्सक्राइबर है, ना ही अदर कोई डिटेल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब जब आप YouTube स्टूडियो में लॉग इन करते हैं या उसके स्क्रीन पे जाते हैं तो लेफ्ट साइड पे कुछ मेन्यूज नजर आ रहे होते हैं। डैशबोर्ड में ये सारा व्यू आएगा डैशबोर्ड का। कंटेंट में वो चीजें आएंगी जो आपने वीडियोस अपलोड किए होंगे, आपने अभी फिलहाल कुछ नहीं किया। प्लेलिस्ट में सारे के सारे प्लेलिस्ट नजर आ रहे होंगे। एनालिटिक्स में अभी फिलहाल आपके चैनल पे कुछ नहीं है तो कोई डिटेल नहीं आ रही, वरना यहाँ पे व्यूज, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर सारी चीजें आ रही होती हैं। ये मैं आपको अपने दूसरे चैनल से दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें, ऑलरेडी ये मेरा कम टू कोड एक दूसरा चैनल है, और यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ कस्टमाइज चैनल पे या फिर यहाँ से मैं यूट्यूब स्टूडियो में जाता हूँ तो इस तरह की सेटिंग्स नजर आएंगी। ये मैं आपको पहले एक बार व्यू करवा दे रहा हूँ, उसके बाद ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के बाद जो है कंटेंट है, जितनी वीडियोज हमने अपलोड की हैं वो सारे इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट अगर आपने कोई बनाया है तो यहाँ पे इस तरह से आएगा प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में 21 वीडियो हैं, सेकंड वाले प्लेलिस्ट में जो है वो 9 वीडियोस हैं, एक्सेल शॉर्ट्स में 34 वीडियोस हैं। एनालिटिक्स में क्या होता है कि भाई एनालिटिक्स ओवरऑल ये तमाम के तमाम स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा होता है कि टोटल व्यूज कितने आए हैं, वॉच टाइम आवर्स कितने आए हैं, और जो है सब्सक्राइबर कितने हैं, आपकी अर्निंग कितनी है। कमेंट्स का जो सेक्शन है वो ये बता रहा होता है कि आपकी वीडियोस पे लोगों ने कितने कमेंट्स किए हैं। आप यहां से जाके कमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं। सबटाइटल आपके मतलब वीडियोस और चैनल के सबटाइटल यहाँ पे आ रहे होते हैं। कॉपीराइट क्लेम, अगर कोई किसी ने कॉपीराइट क्लेम किया है तो वो इस जगह पे आ रहा होगा, ठीक है। मोनेटाइजेशन जो है वो इस जगह पे आता है। ये चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज है तो आपको मैं आपके चैनल पे ले जाके दिखाता हूँ जो भी हमने क्रिएट किया है, कि मोनेटाइजेशन में होता ये है कि इस तरह की रिक्वायरमेंट आ रही होती है, क्योंकि अभी हमने चैनल क्रिएट किया है तो 0 सब्सक्राइबर हमारे हैं, वॉच आवर्स कुछ भी नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं, 2-स्टेप वेरिफिकेशन हमें मोबाइल से भी और चैनल यानी कि सिक्योर करना पड़ता है, तो ये वेरिफिकेशन बहुत ईजी है, इसका कोई मसला नहीं है, ये हो जाएगा। आपने सिर्फ मोबाइल के साथ वेरिफिकेशन करनी होती है। तो ये आपका जो है एक स्टेप है, ये जैसे ही ओके हो जाएगा, सब पे टिक लगा हुआ आ जाएगा, तो आप जो है एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चैनल कस्टमाइजेशन, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे चैनल कस्टमाइज किया हुआ है तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। चैनल कस्टमाइजेशन के कुछ ऑप्शंस हैं, वो हम देखते हैं अपने नए चैनल पे किस तरह करते हैं और फर्दर आगे चलते हैं। ये तो ऑलरेडी जो क्रिएटेड चैनल था वो मैंने दिखा दिया आपको, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। तो आइए अब अपने नए चैनल पे चलते हैं और तमाम के तमाम वो एक्शंस परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले यहाँ पे डैशबोर्ड है, ये तो आपको समझ आ गया। कंटेंट है, कंटेंट जैसी वीडियो आप अपलोड करेंगे, अपलोड वीडियो का बटन है, इस पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। क्रिएट का बटन है, इस पर भी क्लिक करके कर सकते हैं। तो मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और अपलोड वीडियो पे जाता हूँ। डेस्कटॉप पे एक वीडियो मैंने रखी हुई है तो आप अपने हिसाब से वो वीडियोस जो है सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ से इस वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ और इस तरह से अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद टाइटल देते हैं आप, ठीक है, डिस्क्रिप्शन देते हैं। और ये वीडियो अपलोड करना मैं आपको सेकेंड वीडियो में डिटेल के साथ समझा दूंगा। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है चैनल क्रिएशन, ठीक है। तो चैनल क्रिएशन की तरफ आते हैं और इसकी सेटिंग्स देखते हैं। तो ये बटन है क्रिएट का या कंटेंट के ऊपर अपलोड बटन का, कि आप जो है जाके वीडियो अपलोड कर सकते हैं। एनालिटिक्स क्या होता है? एनालिटिक्स के अंदर व्यूज, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर नजर आते हैं। कमेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, कमेंट्स मैनेज करते हैं। यहाँ पे कस्टमाइजेशन में आपने आना है,
कस्टमाइजेशन में आके आपको ब्रांडिंग पे क्लिक करना है। ब्रांडिंग पे आके आप यहाँ लोगो चेंज कर सकते हैं। ये जो पहला ऑप्शन है ये लोगो का है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है बैनर इमेज। अब बैनर इमेज क्या होता है? बैनर इमेज जो होता है वो कोई अगर मेरे चैनल पर आएगा और उस चैनल को कोई देखना चाहे कि यार ये किस तरह का है, फर्स्ट व्यू जो चैनल का होता है उसके हेडर में जो एक इमेज होती है उसको हम कहते हैं बैनर इमेज। तो आप देख सकते हैं ये मेरा चैनल है और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये स्क्रीन नज़र आ रही है। अब कोई यूज़र फर्स्ट टाइम जब आता है और उसको ये स्क्रीन नज़र आती है तो कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। ये जो टॉप पे नज़र आ रहा है ये बैनर इमेज है। तो बैनर इमेज के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने अपलोड पे क्लिक करना है और ये एक बैनर सेलेक्ट कर लेना है और इसको अपलोड कर देना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है कि इमेज मस्ट बी एटलीस्ट 1024 एंड 576 पिक्सल। ठीक है, तो ये बैनर के पिक्सल को डिफाइन करता है कि इससे लीस्ट नहीं होना चाहिए। और ये जो साइज है यहाँ पे 2048 एंड 1152, इससे मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आप बैनर इमेज लगा देंगे। वीडियो वाटरमार्क। वीडियो वाटरमार्क क्या होता है कि अक्सर वीडियोस पे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होता है, ठीक है, जो कि हर वीडियो पे ऑटो आना चाहिए। आपका कोई लोगो हो गया या कोई इस तरह की चीज़, तो आप वो चीज़ वो इमेज यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम मजीद आते हैं नीचे सेटिंग में। ये ऑडियो लाइब्रेरी है। ऑडियो लाइब्रेरी आप अपने वीडियोस के अंदर जो भी ऑडियो यूज़ करना चाहते हैं, ये यूट्यूब की लाइब्रेरी है। इसमें सारी की सारी वीडियोस ऑडियोज़ जो है वो फ्री हैं। आप किसी भी एक ऑडियो को यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड ऑन वीडियो। इसके ऊपर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक या क्लेम नहीं आएगा। सेटिंग्स ये मेन है। सेटिंग्स हमें देखना होता है। फर्स्ट ऑप्शन जनरल। जनरल को आप जो है इसी तरह यूएसडी ही रहने दें। सेकेंड ऑप्शन है चैनल। चैनल में जो है आप किस कंट्री से रिलेट करता है, बेसिक इन्फो में आप, हम क्योंकि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो यहाँ हम पाकिस्तान सेट कर देते हैं। आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं आपने वो कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जो होते हैं कि आपका चैनल कोर, जो आपका चैनल जिस वजह से बनाया है, जो आपकी एक्सपर्टीज है, जिसके आप जिसके ऊपर आप कंटेंट बना सकते हैं, आप समझते हैं कि मेरा जो है ये स्ट्रॉन्ग स्किल है और ये मैं डिलीवर कर सकता हूँ यूज़र्स को या सर्विस दे सकता हूँ यूज़र्स को, ऑडियंस को। तो ये कीवर्ड्स, जैसे कि ये टेक का एक चैनल है ट्यूटोरियल का, तो मैं इसमें टेक लिख देता हूँ, प्रोग्रामिंग लिख देता हूँ, ठीक है, ट्यूटोरियल लिख देता हूँ। ये अब होगा क्या कि जब जब वीडियो बनाएंगे तो ये कुछ टैग्स जो है ऑलरेडी हर वीडियो के साथ टैग हुए हुए आएंगे। ठीक है। अच्छा, एडवांस सेटिंग में हम आ जाते हैं। एडवांस सेटिंग में क्या करना है, अब जो कंटेंट बना रहे हैं वो किड्स के लिए है या बड़ों के लिए, तो हमने सबसे पहले इस पे क्लिक करना है। सबसे पहले नहीं बल्कि हमने सोचना है सबसे पहले कि क्या ये किड्स का है या उससे अपर लेवल के लोगों का है या ये एडल्ट कंटेंट है। तो आप यहाँ पे जाकर नॉट फॉर किड्स, नो, सेट दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड्स, आपने ये प्रेस करना है। और उसके बाद कोई यहाँ पे कोई ऑप्शन इस तरह से नहीं आ रहा, आपने सिंपल सेव कर देना है। सेव इसलिए मैं कर रहा हूँ कि बाद में सेटिंग, इन केस आप सेव करना भूल जाते हैं तो वो चीज़ें वैसी ही रहें। ठीक है, फिर चैनल पे आ जाते हैं। बेसिक सेटिंग कर ली हमने, एडवांस सेटिंग कर ली। फीचर एलिजिबिलिटी इसका कोई इशू नहीं है। आप इंटरमीडिएट फीचर में जाके, एडवांस फीचर में जाके इसको भी कोई मसला नहीं है, इसको रहने दें। आप अपलोड डिफॉल्ट में चले जाएं। अपलोड डिफॉल्ट में क्या होगा कि जब जब आप वीडियो अपलोड करेंगे तो कुछ टाइटल ऑलरेडी हर वीडियो के हिसाब से चेंज होता है। आप चाहते हैं कुछ ऐसा वर्ड हो जो हर वीडियो में जैसे ही मैं अपलोड का बटन प्रेस करूं वो पहले से आए। डिफॉल्ट फीचर का मतलब ये होता है कि पहले से आए डिफॉल्ट। तो आप चाहते हैं कि दिस इज फोर, ये वर्ड पहले से आए, ठीक है, और उसके बाद जो है बाकी टाइटल मैं खुद लिखूं, तो आपने ये करना है और सेव कर देना है। डिस्क्रिप्शन भी, वीडियो की डिस्क्रिप्शन देनी होती है। तो आप समझ रहे होते हैं, आप ये चाहते हैं कि भाई वीडियोज़ की जो डिस्क्रिप्शन है वो भी पहले से आए। तो आपने क्या करना है, इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है, जैसे कि ये दिस लेक्चर इज अबाउट। अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को सेव कर देता हूँ। अब जब जब वीडियो अपलोड करना जाऊँगा तो ये डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी पहले से मौजूद होगा, इसके आगे मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ वीडियो के हिसाब से, वही हो सकता है टेक्स्ट और चीज़ें। ठीक है, ये आपने करना है। उसके बाद जो है नीचे विजिबिलिटी, पब्लिक, प्राइवेट या अनलिस्टेड, ये आप सेट करते हैं। तो हम यहाँ पे अनलिस्टेड सेट करते हैं कि जब जब वीडियो अपलोड हो अनलिस्टेड ही रहे, जब प्रॉपर अपलोड हो जाए, चीज़ें सेट हो जाए, तो हम जाके यहाँ पे जो है इसको पब्लिक कर दें। ठीक है, टैग्स आप डाल सकते हैं,
या वीडियो के हिसाब से टैग वेरी करता है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। परमिशन, अब परमिशन में आते हैं और यहाँ पे आप चैनल का मैनेजर भी बना सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके चैनल को कोई और भी मैनेज करे, तो आप यहाँ पे इनवाइट करके उस यूज़र का नाम और इसकी ईमेल डाल सकते हैं, उसके पास इनविटेशन जाएगी और वो इस चैनल का मैनेजर बन जाएगा। अब हम आते हैं कम्युनिटी में। कम्युनिटी एज सच ऐसा कोई खास नहीं है, मॉडरेटर, अप्रूवल, अप्रूव यूज़र, हिडन यूज़र। आप यहाँ पे कुछ वर्ड्स को अगर ब्लॉक करना चाहते हैं तो वो वर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि सब फॉर सब, यानी कि अक्सर लोग कर देते हैं कमेंट्स पर आके कि सब फॉर सब, यानी कि सब्सक्राइबर के बदले सब्सक्राइबर, या कोई ऐसा ऐसा मार्केटिंग का वर्ड। या आप चाहते हैं कि कुछ कुछ वर्ड को ब्लॉक करना तो आप उसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में कोई ऐसा खास नहीं है, आप चीज़ों को सेट सेव कर दें। तो ये हो गया सेव, सेटिंग हो गई, हमने कस्टमाइजेशन देख लिया, मोनेटाइजेशन देख लिया, कॉपीराइट देख लिया, कमेंट देख लिया। अब हम आते हैं अपने चैनल के डैशबोर्ड। ये है हमारा चैनल का डैशबोर्ड। और इस वीडियो में हमने क्या किया, एक जीमेल अकाउंट क्रिएट करना सीखा और चैनल को क्रिएट करना सीखा, उसकी सेटिंग देखी, ठीक है। और मैंने आपको दूसरे चैनल पर ले जाके इसका कंटेंट एनालिटिक्स और जो है सेटिंग्स और मजीद मोनेटाइजेशन के जो ऑप्शन है वो भी दिखाए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी समझ आई होगी। अगर कोई आपके साथ कन्फ्यूजन है या आपको मुश्किल लग रहा हो ये काम करना, या किसी स्टेप पे आप फंस रहे हैं, तो आप अपने सवालात जो है कमेंट्स में कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट में दें। खुदा हाफिज़।